डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर टेक्नोक्रेट। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका रोल क्या है किसी भी इंडस्ट्री में, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ऑपरेशनल एक्सीलेंस इज ए माइंडसेट दैट एम्ब्रेसेस प्रिंसिपल्स एंड टूल्स टू क्रिएट सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में उसके सारे भागों में ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्या है, एक माइंडसेट है जो कि लागू किया जाता है प्रिंसिपल्स और टूल्स के माध्यम से, जो भी किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इट इज़ कॉल्ड ओपेक्स इन शॉर्ट। इसको शॉर्ट में OPEX ओपेक्स कहते हैं। बिजनेस एक्सीलेंस, मैनेजमेंट एक्सीलेंस एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट आर यूज्ड एज सिनोनिम्स ऑफ ओपेक्स। ऑपरेशनल एक्सीलेंस के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो बिजनेस एक्सीलेंस है, मैनेजमेंट एक्सीलेंस है और ऑपरेशन मैनेजमेंट है। इनको इन नाम से भी ऑपरेशन एक्सीलेंस को जानते हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के जो कोर प्रिंसिपल हैं ऑपरेशन एक्सीलेंस के, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल। सेकेंड, लीड विद ह्यूमिलिटी। थर्ड, सीक परफेक्शन। एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग। फोकस ऑन प्रोसेस। नेक्स्ट, एश्योर क्वालिटी एट द सोर्स। नेक्स्ट, इम्प्रूव फ्लो एंड पुल। नेक्स्ट, थिंक सिस्टमेटिकली। फिर नेक्स्ट है, क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। ये सारे कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम काम करेंगे तो हम ऑपरेशन एक्सीलेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। बाई यूजिंग दीज मेथडोलॉजी ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंतर्गत कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। अगला है सिक्स सिग्मा और थर्ड है काइजन। सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, काइजन, इन सभी पर काम करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंतर्गत ला सकते हैं। अब अगले आता है बेनिफिट्स ऑफ ओपेक्स। बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदे हैं ऑपरेशन एक्सीलेंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज करना, इसका फ़ायदा है। दूसरा आता है मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़। हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं ऑपरेशन एक्सीलेंस के माध्यम से। उनको नए नए टॉपिक पर ट्रेनिंग देते हैं, कैसे वर्किंग करना है, एफिशिएंटली कैसे वर्किंग करना है, उनको ट्रेंड किया जाता है। थर्ड, हाईली लॉयल कस्टमर। हम अपने कस्टमर को की लॉयल्टी बढ़ाते हैं। फोर्थ है क्विक डिटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम में क्विक डिटेक्शन होता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, उसका हम जल्दी पता लगा लेते हैं। फिफ्थ है ईज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो कठिनाई होती है उसमें सरलता आती है इसके माध्यम से, और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सिक्स्थ है हायर प्रॉफिट। अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की तरफ जाएगा। सेवेंथ है प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। हमारे प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ेगी मार्केट में अगर हम एफिशिएंटली अपने वर्किंग पर ध्यान देंगे। एट्थ है एनहेंस्ड इनोवेशन एंड आइडिया जनरेशन। ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंतर्गत अगर हम काम करते हैं तो नए नए इनोवेशन, नए नए आइडिया जनरेशन होते हैं जो आपस में बैठकर किए जाते हैं। नाइन्थ है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की इसके माध्यम से ग्रोथ होती है। और टेंथ है इंक्रीज्ड एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है इसके माध्यम से, अगर हम उनके आपस में बात करते हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है अगर हम उनसे
कोई भी इम्प्रूवमेंट है, कोई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस वर्किंग को कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हैं। तो उनको भी लगता है कि हमसे पूछा जाता है तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है और वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी रहते हैं। तो ये सारे बहुत बेनिफिट्स हैं ऑपरेशन एक्सीलेंस के। दोस्तों, वीडियो से कोई भी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।